चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं संसद के सेंट्रल हॉल, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं सेंट्रल हॉल से तस्वीरें, वहां पर तमाम गणमान्य लोग मौजूद हैं और आप सुमित्रा महाजन को इस तस्वीर में देख सकते हैं, अरुण जेटली आपको नजर आ रहे होंगे, अनंत कुमार नजर आ रहे हैं और तमाम अहम लोग जो हैं वो यहां पर नजर आते हुए। और मणिनगर में थे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी अहमदाबाद के मणिनगर से एक जनसभा को भी संबोधित कर रहे थे, वहाँ पर कार्यक्रम में रहे, दिव्यांगों को वहाँ सामान बांटा, उसके बाद फिर वहाँ से रवाना हो गए सीधे दिल्ली के लिए। और प्रधानमंत्री इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, संसद के सेंट्रल हॉल के बाहर की तस्वीरें, संसद के बाहर की तस्वीरें जहाँ पर खूबसूरत तरीके से इसे सजाया गया है। एक सवाल जो मैं लेना चाह रहा था पौराणिक जी आपसे भी, मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा, हिमांशु जी से भी एक छोटा रिएक्शन लेना चाहूँगा। जिन देशों में GST लागू किया गया, उन देशों में लागू होने के बाद क्या हुआ, क्या GST स्टेबल हो गया उसके, या फिर उसके बाद लेट की क्या रिजल्ट्स आए? क्योंकि तो इंडिया का केस विश्व के किसी देश से कंपेयर नहीं किया जा सकता, मेल नहीं खाता। जैसे हमने नोटबंदी पे वेनेजुएला का मामला देखा, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अब ये इंडिया का साइज, इंडिया का क्वांटम किसी देश से कंपेरेबल तो वो चाइना से, और चाइना में GST उस तरह से है नहीं। तो इंडिया का जो केस है वो यूनिक केस है। दूसरा ये कि एक इशू ये डिसरप्शन का आता है, नोटबंदी के बाद अब ये भी कह पाना मुश्किल है कि नोटबंदी या किसी इकोनॉमिक एक्शन से जनता को परेशानी होती है जी। तो उसका रिफ्लेक्शन बहुत ड्रास्टिक तौर पर इकोनॉमी या पॉलिटिक्स पे आता है, ऐसा भी दिखाई नहीं पड़ता। कुल मिला के इंडिया का केस यूनिक और कॉम्प्लेक्स है और इसके रिजल्ट्स जब सामने आएंगे तभी देखना पड़ेगा, लेकिन मोटे तौर पर दिखाई ये पड़ता है जी कि इसमें तीन तरह की समस्याएं आ सकती हैं। नंबर एक, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या। अभी हम जो देख रहे हैं वो बेसिकली ऑन पेपर से परफेक्ट है, लेकिन जब वो ऑपरेशन में जाएंगे तो कोई टेक्निकल ग्लिचेज ना आए, नेटवर्क के इश्यूज ना आए, वो देखना है। नंबर दो, इसमें एजुकेशन बहुत कम हुई है। अभी आप दिल्ली में चले जाएं, करोल बाग के किसी मार्केट में और छोटे बिजनेसमैन से पूछे। पुरानी जी, एक बार फिर से मैं दर्शकों को ब्रीफ कर दूं ये कि ये संसद के सेंट्रल हॉल की तस्वीर आप देख रहे हैं और ताज़ा तस्वीरें यानी कि लाइव तस्वीरें हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे तब की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे यहाँ पर और उनका स्वागत करने के लिए अनंत कुमार खुद बाहर आए थे, और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री संसद के सेंट्रल हॉल में दाखिल हो रहे हैं, वित्त मंत्री अरुण जेटली वहाँ पर मौजूद हैं, सुमित्रा महाजन जो कि लोकसभा स्पीकर हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, और तमाम जो बड़े लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये सीधी तस्वीरें हैं। कुछ ही देर में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी होंगे यहाँ पर और उनका इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी यहाँ पर आ चुके हैं, वित्त मंत्री अरुण जेटली खुद इस वक्त यहाँ पर खड़े हैं और अनंत कुमार वहाँ पर खड़े हैं, और ये संसद के सेंट्रल हॉल के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं। कहते हैं यहाँ से बस दो तीन कार्यक्रम हुए हैं। भारत जिस रात को आज़ाद हुआ 1947, 15 अगस्त, 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात, उस रात में यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था। एक इस चीज़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोड़ा कि टैक्स के मकर जाल से आज़ादी मिलेगी आपको, और वही चीज़ आपको आज जो GST लागू करके वो देने की कोशिश है। साथ ही आपको बता दें कि थोड़ी देर में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी यहाँ पर होंगे और संसद का सेंट्रल हॉल है ये। आपको बता दें कि 25 साल जब पूरे हुए थे स्वतंत्रता के, आज़ादी के, तब आप यहाँ पर संसद के सेंट्रल हॉल में लोगों को बुलाया गया था, तमाम सांसदों और नेताओं को बुलाया गया था, और जब 50 साल पूरे हुए तब बुलाया गया था। ये तीन ऐसे वाक्य रहे हैं जब सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कांग्रेस को इस बात पर भी एतराज है कि संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम जैसा कुछ भी नहीं था इस चीज़ में, और तमाम चीज़ें हैं जो कि जिस पर काम करने की ज़रूरत थी और जल्दबाजी में यह फैसला लिया गया। बहरहाल ये तस्वीरें देख सकते हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी आपको इसमें नजर आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान नजर आ रहे हैं, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री आपको फर्स्ट रो में, आपको लालकृष्ण आडवाणी, उनके बगल में शरद पवार, और बगल में लालकृष्ण आडवाणी के बगल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, ऐसे जितने भी आप अहम नाम अगर लें वो तमाम लोग आपको इसमें नजर आएंगे। ये तस्वीरें संसद के सेंट्रल हॉल की, और ये तस्वीरें आप संसद के सेंट्रल हॉल के बाहर की देख रहे हैं, जहां पर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन इंतजार कर रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं यहाँ पर जो कि इंतजार कर रहे हैं, वित्त मंत्री अरुण जेटली हैं, अनंत कुमार हैं यहाँ पर जो कि इंतजार कर रहे हैं, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का इंतजार हो रहा है। और ये संसद के बाहर की तस्वीरें जहां पर
और राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं संसद के सेंट्रल हॉल में। अपने तय वक्त पर 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था और ठीक 11 बजने को हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संसद के सेंट्रल हॉल पहुंचते हुए, और अनंत कुमार आगे बढ़ रहे हैं राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए। उन्हें शॉल देकर उनका सम्मान किया जाएगा और उनका स्वागत किया जाएगा। ये देखिए, राष्ट्रपति अपनी गाड़ी से बाहर आ चुके हैं और वहाँ पर संसद के सेंट्रल हॉल के बाहर तमाम बड़े नेता, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका इंतजार कर रहे हैं और शॉल देकर उन्हें सम्मानित किया गया अनंत कुमार की तरफ से। इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात वहाँ पर, और ठीक साथ साथ में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और तमाम जो बड़े नेता हैं वो सामने नजर आए। सेंट्रल हॉल में अब इंतजार हो रहा है, एक ऐप लॉन्च किया जाना है, उसके बाद राष्ट्रपति कुछ बोलेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और उसके बाद 12 बजते ही जीएसटी पूरे देश में लागू हो जाएगा, यानी कि एक देश एक कर लागू करने की जो कवायद है वो पूरी हो जाएगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सेंट्रल हॉल से, जहां से ये तस्वीरें आ रही हैं, सीधी लाइव तस्वीरें हैं ये। निर्जय जी, ये तस्वीरें बहुत कम देखने को मिली हैं भारतीय इतिहास में, या फिर आप कहें कि ऐसे मीडिया में बहुत कम ऐसी तस्वीरें हैं कि सेंट्रल हॉल से सीधी तस्वीरें आप देख रही हूं, तो ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत वक्त है और ये अद्भुत तरह का दृश्य है कि सेंट्रल हॉल में सारे बड़े नेता जमा हुए हैं। किस तरह से देखती हैं आप इसे, और क्या यहाँ पर कांग्रेस का होना ज़रूरी था या उन्हें आना चाहिए था इस लिहाज से भी? मुझे लगता है सबने मिलके किया है तो कांग्रेस आती और पार्टियां आती तो अच्छा रहता, लेकिन कांग्रेस में ये जो आशंका है बहुत गहरी है कि बीजेपी हर चीज़ को एक इवेंट बना देती है और उसका फ़ायदा लेती है पॉलिटिकल, और यहाँ भी वही करने वाली है, तो उसको क्यों वो उस चीज़ उस प्रक्रिया को प्रोत्साहन दे, चाहे कहने मतलब का मतलब उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन हिस्सा बने हैं। शुरुआत तो वहीं से हुई थी, राष्ट्रपति ने प्रणब मुखर्जी ने तो कहा है कि 30 साल की प्रक्रिया चल रही है, पहले हो जानी चाहिए थी और कांग्रेस से पास करना ही चाहती थी तो और ऐसे क्षण में अब सरकार में नरेंद्र मोदी हैं, भाजपा है, एनडीए है, वो एक हकीकत है। अगर सब पार्टियां मिलकर रहती वहां तो मुझे लगता है अच्छा होता है ऐसे मोमेंट पे, हालांकि किस तरह से ये होगा बहुत नर्वसनेस है पूरे देश में, इंडस्ट्री में बहुत नर्वसनेस है, एंटरप्रेन्योर में जिसे बात भी करते हैं अज्ञात का भय है, और कितना कैसे ये चीज वर्कआउट होगी, ठीक से इस पे ध्यान दिया गया है कि नहीं, कहीं सिस्टम, कोई लोग तो ये भी कह रहे हैं कहीं सारा सिस्टम ही ना कोलैप्स कर जाए। ये अद्भुत तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त संसद के सेंट्रल हॉल से जाने की तस्वीरें, में पहुंचने की तस्वीरें हैं, और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और साथ साथ में प्रधानमंत्री। इस खास पेशकश को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने दोस्त अपने सहयोगी आशुतोष चतुर्वेदी को बुलाना चाहूंगा। आशुतोष, शो को अब आप आगे बढ़ाइए और फिर मैं थोड़ी देर में आप लोगों से जुड़ूंगा।
अच्छा, तो अभी आपने सुना राष्ट्रगान और यहाँ पर सभी लोग खड़े थे और देख सकते हैं तस्वीरों को अगर आप तक हम पहुंचा रहे हैं लगातार, ज़ी हिंदुस्तान लगातार इस खबर पर बना हुआ है और तस्वीरों को देखें, वित्त मंत्री अरुण जेटली अभी हमें नजर आते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ठीक बीच में बैठे हुए, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन उनके बगल में बैठी हुई और पुष्प देकर वित्त मंत्री अभिनंदन करते हुए, सम्मान करते हुए, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, किरण रिजिजू सभी हमें नजर आते हुए जो रत्न हैं।